उत्तर प्रदेश के दिल दहला देने वाले देवरिया सामूहिक हत्याकांड को लेकर सियासत ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस मामले में जहां समाजवादी पार्टी अपने कोर वोटर्स यादवों के साथ खुलकर खड़ी नजर आ रही है, वहीं ब्राह्मण परिवार के साथ न्याय दिलाने की मांग को लेकर स्थानीय बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी सबसे आगे हैं। इस जघन्य हत्याकांड के बहाने पूर्वी यूपी में आने वाले चुनाव के लिए एजेंडा भी सेट हो रहा है। इस मामले को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी और बीजेपी के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल कर प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे ट्रेंड करा रहे हैं। प्रेमचंद यादव के समर्थक उसे निर्दोष साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। वहीं सत्यप्रकाश दुबे के समर्थक दोनों के घरों की फोटो सेंड कर रहे हैं, जिसमें प्रेम यादव को दबंग और दुबे को गरीब साबित किया जा रहा है। जैसे कि यूपी में एक रिवायत चल पड़ी है कि योगी सरकार खूंखार अपराधी के घर पर अक्सर बुलडोजर चलवा देती है, ऐसे में ब्राह्मण परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश में लगे लोगों को उम्मीद है कि यूपी में जल्दी ही एक्शन होगा और देवरिया के दबंगों के ठिकानों पर भी बुलडोजर चलेगा। देवरिया के बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी दुबे परिवार को न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। त्रिपाठी प्रेमचंद यादव को भू माफिया करार देते हुए उसकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की बात खुलकर बोल रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता विनय शंकर तिवारी का कहना है कि बुलडोजर चलाने से न्याय नहीं मिलेगा, न्याय तो तब मिलेगा जब सरकार एक आयोग बनाकर ये जांच करवाए कि प्रेमचंद यादव को किसने मारा। अगर प्रेमचंद यादव एक दबंग आदमी था तो उसकी हत्या सत्यप्रकाश जैसा कमजोर व्यक्ति कैसे कर सकता था। विनय शंकर तिवारी कहते हैं कि जिन अधिकारी कर्मचारियों ने सत्यप्रकाश दुबे की शिकायत नहीं सुनी थी, उन पर कार्रवाई की जाए और सत्यप्रकाश के परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिले, इसे न्याय माना जाएगा। वहीं प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी इस मामले में स्टैंड क्लियर हो गया। उन्होंने सत्यप्रकाश दुबे परिवार के साथ साथ प्रेम यादव के परिवार के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिया। अखिलेश का कहना है कि ये कांड एक हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है। सपा का, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दोनों पक्षों के पीड़ितों से मिलकर सच्चाई सामने लाएगा। सियासी जानकार बताते हैं कि पार्टियां इस मामले में राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में हैं। अगर यादवों और ब्राह्मणों के बीच का ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो सभी अपने लिए इसमें राजनीतिक नफा नुकसान तलाशेंगे। चर्चा है कि पिछले चुनाव में पूर्वी यूपी के ब्राह्मण सीएम योगी से नाराज चल रहे थे, हालांकि फिर भी ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को ही मिला। अगर इस मामले में बुलडोजर चलने जैसी कार्रवाई होती है तो ब्राह्मणों की नाराजगी खत्म हो सकती है। वही जानकार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के एक पक्ष के साथ होने से उसके अपने फायदे हैं, लेकिन इससे उसे ब्राह्मण और अति पिछड़े वोटों का नुकसान हो सकता है। अगर ये मुद्दा लंबा खिंच गया तो यूपी के एक बड़े हिस्से पर सियासी असर डाल सकता है। अब देखना होगा कि योगी सरकार अपनी बुलडोजर वाली कार्रवाई को किस तरह से अंजाम देती है।